हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ। अपना चैप्टर चल रहा था 15.2, मतलब कंप्लीट हो गया था ना, तो अपन ने 15.1 और 15.2 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 15.3 के एग्जांपल से, ठीक है। तो जो 15.3 है उसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है। अब हमें क्या किया, जो अब तक हमने स्टडी की थी ना, है ना, उन्हीं फॉर्मूलों को, उन्हीं डायग्रामों को क्या कर दिया जाएगा, दो जो डायग्राम है उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा ना, उन्हें मिला दिया जाएगा और फिर हमसे क्या करवाया जाएगा, उनका एरिया फाइंड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नया कुछ नहीं है, है ना, केवल उनको क्या कर दिया गया है, दो फिगरों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जो अपन ने जितने भी वो पढ़ा पिछला, है ना, वो उससे ही रिलेटेड है इसमें ना, बस उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है कि एक या दो या तीन जो हैं फिगर उनका क्या कर दिया गया है, कॉम्बिनेशन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कॉम्बिनेशन। और उनको हम सॉल्व उन्हीं फॉर्मूलों से करेंगे जो हमने पहले उसमें स्टडी कर लिए थे, है ना, जिसमें कौन कौन से फॉर्मूले थे, एक तो था एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एक था लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180, और एक था एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते थे हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा से, ठीक है। तो अब उनका ही कॉम्बिनेशन इसमें क्या करना है, दो या तीन फिगरों का कॉम्बिनेशन हमें गिवन होगा और हमें उनको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो इसमें कोई नया फॉर्मूला कोई भी नहीं है इस 15.3 में, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, इसमें कहा गया है कि इट इज प्रपोज्ड टू ऐड टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स ऑन द टू साइड ऑफ ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 58। देखो एग्जांपल फर्स्ट, हमें इसमें गिवन है कि एक स्क्वायर है, क्या गिवन है, स्क्वायर, इसकी साइड हमें गिवन है 58 मीटर, कितनी गिवन है 58 मीटर, ठीक है। तो अब हमें ऐसे बोला गया है कि इसके जो टू साइड है ना, उनमें क्या एक सर्कुलर ऐड कर दिया गया है ना, इन दोनों, देखो इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऐड टू सर्कुलर फ्लोर, तो देखो यहां टू सर्कुलर फ्लोर ऐड कर देते हैं, टू, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इफ द सेंटर ऑफ द ईच सर्क्यूलर फ्लोर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक ऑफ द डायगोनल, तो देखो ये जो डायगोनल, ये जो इसका है ना, ये डायगोनल, अब ये जहां डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल है ना, इसका क्या है, ये इसका क्या है, इसका हमें दिया गया है, ये क्या है, इंटरसेक्ट ऑफ द डायगोनल स्क्वायर लॉन, तो हमें गिवन है इफ द सेंटर, ये क्या है, सेंटर गिवन है किसका, इस सर्कल का। देखो मैं एक ऐसे सर्कल बनाता हूं यहां, ठीक है। अब ये जो ये पार्ट है, ये ऐसे पार्ट है कोई, ठीक है, है ना, और ये यहां से इसका पॉइंट सर्कल है और हमें ये ऐसे गिवन है, ऐसे हमें केवल क्या गिवन है, अब इसमें ये ऐसे क्या बना हुआ है, कोई स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ था, लेकिन हमसे क्या किया गया है, केवल ये पार्ट क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, केवल अब ये पार्ट अपने पास रह गया। तो ये जो है, ये क्या है, सेंटर है किसके, ये जो सर्कल बनाया था ना अपने एक, इसका क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। और अगर ये सेंटर है तो ये क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस, और ये एक डायगोनल के क्या है, मतलब किसके, स्क्वायर के डायगोनल है, किसके, स्क्वायर के डायगोनल। तो देखो स्क्वायर के डायगोनल जो है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखो ये जो डायगोनल है, हमें पता है जो स्क्वायर है उसके डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये साइड अपने पास कितनी है, 58, तो उससे हम डायगोनल निकाल लेंगे, ठीक है, डायगोनल निकल जाएगा, ये डायगोनल यहां से यहां तक है, और ये क्या है, देखो ये तो है डायगोनल किसका, इस स्क्वायर का,
और ये जो है यहां से यहां तक, ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, यानी डायगोनल का जब हम हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगा। क्योंकि देखो जब ये ऐसे सर्कल था कंप्लीट ऐसे, तब ये यहां से यहां तक क्या है? ये तो उसने बोला है सेंटर है, जहां डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है? सेंटर है। और ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? रेडियस। ये तो हो गया रेडियस, और ये क्या है? डायगोनल है और साथ में, ठीक है। तो अब हमें ये जो एरिया है कंप्लीट है ना, यहां से और ये कंप्लीट, इसका क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो देखो सबसे पहले, अब देखो एरिया तो फाइंड करना है, तो एक तो ये है क्या? स्क्वायर। इसका तो एरिया हम इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना। स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो दो पार्ट है इनका एरिया फाइंड करना, तो ये पता है क्या है? ये देखो, अगर हम इस पार्ट को देखो, मैं ऐसे बनाता हूं नीचे वाले को ऐसे, ठीक है। तो हम ये पहले ही फाइंड कर चुके हैं ना, ये इसका एरिया फाइंड करना है हमें, ये इसका तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ये क्या है? एरिया ऑफ सिगमेंट। किससे करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा से। इसका और इसका हम उस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, कितने कितने क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है साइड 58 मीटर, साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 58 मीटर, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे? डायगोनल। क्या फाइंड कर लेंगे? डायगोनल फाइंड कर लेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला है इसका तो ना, साइड इंटू अंडर रूट टू। तो देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला है साइड इन मल्टीप्लाई बाई रूट टू, है ना। साइड मल्टीप्लाई बाई रूट टू, यानी साइड रूट टू होता है। क्या होता है? साइड रूट टू। तो डायगोनल के क्या आ गया अपने पास? अपने पास डायगोनल आ गया स्क्वायर का, साइड 58 है और रूट टू, ठीक है। अब मैंने अभी अभी बताया था, जो इसका डायगोनल है उसका हाफ क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम क्या निकाल लेते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 58 रूट टू अपॉन टू, 29 रूट टू मीटर है ये सारे, तो इन सबको हम मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर है और अपने पास क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब अपन को इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम निकालते हैं ये जो है ना स्क्वायर, जैसे चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगा? साइड इंटू साइड, यानी कि 58 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 58 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें साइड इंटू साइड 58, तो 58 इंटू 58 करके देख लेना, 58 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 58 इंटू 58 कितना आएगा? 3364, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3364 मीटर स्क्वायर, है ना। अपने पास क्या है?
मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया एरिया ऑफ ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ये सेक्टर और ये सेक्टर, रेडियस सेम है ना, क्या है रेडियस और एंगल भी क्या है सेम है, तो रेडियस और एंगल सेम होगा तब क्या होगी उनका जो एरिया है वो भी सेम होगा। तो रेडियस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो ये दोनों का क्या होगा एरिया भी सेम होगा। ठीक है, तो हम एक का फाइंड करके उससे क्या कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से। तो देखो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट है ना, जो क्या है एक्चुअली में सेगमेंट है, क्या है सेगमेंट वाले फॉर्मूले से है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है सेगमेंट ही तो है ना, क्योंकि ये तो हमारे हमने इसका तो निकाल लिया, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इस कंप्लीट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे है ना, यानी हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट यानी जो सर्क्यूलर पार्ट है ना उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये थीटा जरूर, ये मैंने एक लाइन नहीं लिखी, इस लाइन जरूर लिख लेना ना, कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ थीटा, यानी 90 डिग्री के एंगल पे वो एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 22 वैल्यू ऑफ आर 29 रूट 2 इंटू 29 रूट 2 एंड थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, वही सेम 29 इंटू रूट 2 का स्क्वायर ऐसे लिख लो चाहे, अपॉन 2 और साइन 90, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, क्या होती है वैल्यू ऑफ साइन 90 1। तो देखो 9 4 36, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है कितना होगा 11 और ये हो जाएगा 210। अब देखो ये रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, देखो चाहो तो तुम इसका मल्टीप्लाई करेंगे भी रूट 2 रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो इस 2 से मैं ये दोनों रूट 2 कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर क्या यहाँ इतना अपने पास बचेगा 29 इंटू 29। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा इसमें से और कुछ, ये 11 और है, कितना है 11, 29 इंटू 29 इंटू 11 माइनस सेम 29, देखो 29 इंटू 29 रूट 2 रूट 2 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू ऑफ साइन 90 यहाँ लिख लेंगे हम, साइन 90 इक्वल्स टू 1 है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब 29 इंटू 29 इंटू क्या करना है 11 करना है, क्या करना है 29 इंटू 29 इंटू 11। ठीक है, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 29 इंटू 29, तो देखो सबसे पहले हम 29 इंटू 29 कर लेते हैं, 841। तो देखो इनका तो कितना आ गया 841 और इन दोनों का भी कितना आ गया 841। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, तो 11 बन जाए 11 कैरी 1 44 45 कैरी 4 और 88 और 4 92। इधर तो अपने पास आ गया 9251, माइनस कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे 841। ठीक है, तो इसमें से 841 माइनस कर दो, 0 1
8 कितना आया अपने पास, आ गया 8410 कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया ये, तो अपने पास कितना आ गया ये, है ना। तो अब देखो इसमें शायद कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं एक बार इसको चेक करते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये ठीक है 22 आर स्क्वायर 29√2 90। ओ ये देखो पाई की वैल्यू जो है ये 22 अपॉन 7 क्या होगी 7, तो इसमें डिवाइड होगा किसका 7 से डिवाइड होगा और फिर माइनस होगा कितना 841, ये 7 हमसे छूट गया था ठीक है। तो अब देखो इधर कर देते हैं हम इसको 7 से इसमें डिवाइड देते हैं ठीक है। ये तो सब कुछ हमने लिख ही लिया, ये 22 अपॉन जो 7 था ना, ये 7 यहाँ मैं लिखना भूल गया था, तो 7 से डिवाइड देना है 9251 डिवाइडेड बाई 7, 7 बन जा 7 बन जा 7 4.0 ये आ जाएगा ठीक है। कितना आ गया अपने पास, आया 1321 माइनस 5 7 ठीक है, दिख रहा है ये 1321.57। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना ये पॉइंट है, कितना ये क्या है पॉइंट माइनस 841 माइनस कर देते हैं ठीक है। तो देखो इधर माइनस कर देते हैं कितना इसमें से 841, तो ये तो 0.57 तो 0.57 0 12 8 9 4 कितना आया, ये आ गया 48 कितना आया 480, ये अपने पास आया, मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ वन सर्क्यूलर पार्ट इज 480.57 कितने का आया, ये वन का आया है, लेकिन हमें ऐसे अपने पास कितने हैं भाई, ये केवल किसका आया एक पार्ट, या तो इसका मान लो या इस पार्ट का क्या मान लो एरिया मान लो ठीक है। लेकिन अब हमें ऐसे कितने पार्टों का निकालना है, टू पार्टों का निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो देखो टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, है ना, और यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ टू सर्क्यूलर पार्ट या पाथ जो भी है ना, इससे टू से मल्टीप्लाई कर देना 480.57। देखो कितना आएगा, मीटर स्क्वायर कितना आया अपने पास, आ गया 961.14 मीटर स्क्वायर ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड कराया था टोटल एरिया, हमें फाइंड क्या करना है इसमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए देखो ये अपने पास डायग्राम है, टोटल एरिया फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, इसका हमने कंप्लीट एरिया फाइंड कर लिया एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका और इसका भी हम दोनों ने क्या कर लिया एरिया डिफरेंट यानी अलग अलग फाइंड कर लिया, है ना, सेपरेट सेपरेट। तो अब हम इन दोनों का एरिया तो हमने क्या कर लिया वहां उसका सम हो गया, अब इसका एरिया और हम इसमें सम कर देते हैं। तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो देखो अपने पास ये कितना है, ये था 3364 प्लस 961.14,
तो इसका देखो आंसर कितना आएगा, ये तो 4 1 तो सेम है ही, ये हो जाएगा 5। अब देखो ये और ये ऐड हो गया 5, ये हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 10 13 का 3 और 4 मीटर स्क्वायर कितना जाएगा 4325.14। ये इसका क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया। और हमें क्या फाइंड करना था, इसमें टोटल एरिया ही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अच्छे से समझना है इसको ना, कि ऐसा ये क्या है जो बुक में तुम्हारे में जो सॉल्व हो रहा है ना, वो अलग फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वो अपन उसमें जब पढ़ोगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए ये एग्जाम्पल ऐसा है, इसको क्या करना है लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल है और बुक में सॉल्व हो रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। बुक में जो हो रहे हैं ये अलग तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व कराया है, ठीक है। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन इसमें अलग चीज़ ये है कि ना तो हमें रेडियस दी गई है ना ही हमें एंगल दिया गया। ये हमें खुद को समझना होगा कि जो ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर के जो क्या है डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और जो इस स्क्वायर का डायगोनल है वो इन सर्कल का क्या है, रेडियस है। क्यों? क्योंकि उसने कहा गया है कि जहां भी ये एक दूसरे को डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ना वो उस सर्कल का क्या है, सेंटर है। जब ये सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी। तो पहले डायगोनल फाइंड किया हमने, डायगोनल आ गया 58√2, फिर हमने रेडियस फाइंड कर ली 29√2। उसके बाद इसको करना इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो तो तुम आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना जो एग्जाम्पल फर्स्ट था है ना 15.3 का, ये हमने सॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, तो देखो इसने कहा गया है कि ए पाथ ऑफ 33.5 मीटर विथ रन्स अराउंड ए सर्क्यूलर ग्रास लैंड ऑफ ए डायमीटर 42 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो देखो हम ऐसे सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, सेम है। क्या गिवन है हमें, एक सर्कल है, ठीक है, इसके बाहर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये कोई घास का मैदान है, ये मान लो उसके चारों ओर क्या है एक। अब इसका जो हमें डायमीटर गिवन है, देखो इसका डायमीटर हमें गिवन है 42 मीटर, ठीक। और हमें इसका जो ये पाथ है इसकी ब्रेथ हमें गिवन है कितनी, 3.5, ठीक है। तो देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो देखो रेडियस, अब इसमें दो क्या है सर्कल बन रहे हैं, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ, देखो कैसे लिखते हैं, मैंने पहले ही देखो एक छोटी रेडियस और एक बड़ी रेडियस, देखो अगर हम यहाँ से देखो ये तो कितनी हो जाएगी 21, और देखो ये अगर ये क्या है इसका सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है 21, और ये यहाँ से यहाँ तक करेंगे तब क्या हो जाएगा, उसमें 21 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द प्लॉट, ये क्या है एक प्लॉट है, क्या है प्लॉट, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ प्लॉट कितनी होगी 42 / 2 21 मीटर,
ये तो क्या हो गई, प्लॉट की रेडियस हो गई, ठीक है। अब है एरिया ऑफ पाथ, है ना, तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द प्लॉट विद द पाथ। अब क्या निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ प्लॉट विद द पाथ। अब उसमें जो पाथ है ये क्या है, एक ये तो है प्लॉट और ये क्या है पाथ, तो पाथ की जो ब्रेथ गिवन है हमें वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो इनका सम कर देंगे 24.5। सिंपल सा है ना, इसकी रेडियस 21 और इसकी रेडियस 21 में 3.5 सम कर देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। और हम ऐसा फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, जब क्या गिवन है, एक आर कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, चाहो तो आर वन आर टू से भी कर सकते हो, वही पाई फॉर्मूला सेम है, देखो कैसे ही कर सकते हो ना। एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, पाथ निकालना है, पाथ, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो है किसका, इस बड़े वाले का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो पाई ले लिया कॉमन, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ, देखो ये तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर 24.5 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या तो देखो इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, या फिर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी से करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजी, देखो 22/7 a प्लस बी 24.5 प्लस 21 और 24.5 माइनस 21, क्लियर, 22/7, अब देखो 20 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 point, ये पहले इन दोनों का क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस, तो देखो ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 3.5, क्लियर, देखो इसको इससे कैंसिल कर दो, कितनी टाइम, 0.5 टाइम, तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से, हम कई बार कर चुके हैं, कितना आता है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई करना है 45.5 से, तो क्या निकल के आएगा अपने पास, अपने पास आएगा एरिया ऑफ पाथ, क्या जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। पर देखो ये जब भी ऐसा, ऐसे क्वेश्चन हो ना जिनमें ऐसा डायग्राम बना रहा हो, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, जो अपन को पाथ की ब्रेथ दी गई है वो उसकी रेडियस में ऐड कर दो, ये फॉर्मूला बन गया, इसको चाहो तो इन दोनों का स्क्वायर कर लो, चाहो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी से सॉल्व कर लो। अब इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इधर लिख देता हूँ, 11 5 55 कैरी 5 55 और 5 60 0 कैरी 6 60, ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 600.5 मीटर था तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 50, देखो 11 4 44 प्लस 6 50 यहाँ आएगा 5, है ना, ये थोड़ी वो हो गई, तो देखो ये तो क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया एरिया ऑफ पाथ, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे उसने फाइंड करवाया है कि कॉस्ट फाइंड करवानी है ना, इसमें हमें क्या करना है, ग्रेवलिंग करनी है ऑफ द पाथ ऑफ द रेट ऑफ 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ इधर लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ हमसे क्या करवाया है इसने, ग्रेवलिंग क्या होगा, 4 दिया गया है तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 500.5 × 4, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा रुपी। ठीक है, कितना आ जाएगा 2002 रुपी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई कॉस्ट ऑफ ग्रैवलिंग, किसकी, वो जो हमें सर्कुलर जो हमें पाथ गिवन था ना उसका, ये आ गया आंसर। ठीक, तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, केवल उसमें उसको सम किया और ये फॉर्मूला लगा दिया, पाई लिया, आर ए प्लस बी ए माइनस बी से इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया, और कॉस्ट फाइंड करनी है तो उस कॉस्ट से हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। वही फॉर्मूले हैं, है ना, कोई भी इसमें नया फॉर्मूला हम इस एक्सरसाइज में अब नहीं पढ़ेंगे, केवल यही 3 फॉर्मूले हैं जिनसे हम ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एक फिगर दिया गया है ए बी सी डी, इसमें अपन को कितने 4 सर्कल बने हुए हैं, 4 सर्कल। ऐसे 4 सर्कल गिवन है ए बी सी डी, और हमें ये जो शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है ना, जो ये क्या है, इन सर्कल से क्या है, बाहर है, इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया। और हमें दिया गया है इसकी जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर की एक साइड क्या होती है, जितनी एक साइड होती है उतनी सारी वन साइड और सारी साइड है ना, तो एरिया ऑफ हमें शेडेड पोर्शन निकालना है। तो देखो देखने में तो ये ऐसा लग रहा है ना, कितना डिफिकल्ट है, बल्कि इजी है। देखो क्या करेंगे, एक बार तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो देखो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये कितना है, 14 है, कितना है 14, और इसमें हमें जो फिगर है ना, इसमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 14, और ये कितना है 7, तो ये 7 जो है ना वो क्या है, डायगोनल है, किसका, रेडियस, सॉरी सर्कल का डायगोनल कितना है 7, डायमीटर, क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर अपने पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गया, डायमीटर। ठीक है, तो अब हम रेडियस इजीली फाइंड कर लेंगे अपॉन 2 करके। ठीक है, तो देखो अपन को पास है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगी, साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है, देखो सिंपल सी बात है, अब हम क्या कर लेते हैं, रेडियस ऑफ ईच सर्कल। ठीक है, सेवन अपॉन 2 3.5, ये आगे रेडियस, क्योंकि देखो ये यहां से यहां तक 14, ये यहां से यहां तक 7, तो 7 अपॉन 2, ये क्या है, डायमीटर, डायमीटर अपॉन 2 रेडियस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ, मैं सबका एक साथ कर देता हूं। ठीक है, ये कितने हैं, 4 सर्कल हैं, रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा,
एरिया ऑफ फोर सर्कल, कितने सर्कल हैं अपने पास, फोर सर्कल हैं तो फोर का ही कर लेते हैं, तो फोर पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो फोर पाई आर स्क्वायर इधर ही कर लेते हैं, फोर इंटू 22 अपॉन 7 आर, वैल्यू ऑफ आर 3.5 इंटू 3.5, इसके इससे काट देंगे 0.5, ठीक है, अब 0.5 ये हो जाएगा, देखो 4.5 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो आएगा 11 इंटू 3.5, ठीक है, तो देखो अब 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5 से, कितना आ जाएगा 14, तो 14 इंटू 11, 11 4 जा 44 और 11 बन जाए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास कितने का, चारों के चारों का, चार जो अपने पास सर्कल थे ना उनका क्या आ गया एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से सबट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ फोर सर्कल, ये अपने पास कितना आया, ये अपने पास आया 196 माइनस 154, तो ये हो जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर अपने पास कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया अपने पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, किसका आ गया अपने पास, शेडेड पोर्शन का ही निकालना था ना, और शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। तो देखो डायग्राम देख के डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें गिवन है एक स्क्वायर रहे उसके अंदर कितने सर्कल हैं 4, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया इजीली साइड इन टू साइड, अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, सर्कल निकालने के लिए ध्यान रखना है कि हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी साइड 14 है, ये इसका जो डायगोनल 7 का हो जाएगा, रेडियस आ जाएगी 3.5 की, तो फिर हम रेडियस से क्या निकाल लेंगे एरिया, अब इस एरिया में से ये एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, शेडेड पोर्शन अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब है एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी हमें क्या गिवन है, एक फिगर जो है वो हमें क्या है इसमें गिवन है। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो एग्जाम्पल 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जितने भी अब तक हमने किए थे ना उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है, जो सबसे ज्यादा आने के चांस इसी एग्जाम्पल के होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पोर्शन है हमें इसका एरिया फाइंड करना है, और हमें गिवन है ए बी सी डी और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें इसमें गिवन जो दिया है ना वो दिया गया है कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, ये जो पार्ट है ना ये कॉमन है किसमें, टू क्वाड्रेंट में, किसके में, एक सर्कल के में, है ना, ये जो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सो इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना ये क्या है, कॉमन है। देखो अब हम इसको मैं अलग अलग बनाता हूँ, ठीक है,
देखो एक डायग्राम तो है अपने पास ये, ठीक है। अब एक जो है ये अपने पास ऐसे बना हुआ है, ये क्या है, ये अलग अलग क्वाड्रेंट है किसके, सर्कल के, ठीक है। एक सर्कल का क्वाड्रेंट ये है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट ये है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया गया, क्या कर दिया गया, मिला दिया। तो देखो ये इसमें भी था और ये इसमें भी था, ठीक है। अब हम अलग अलग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अलग अलग, ठीक है। इसका एरिया निकालो अलग और इसका एरिया निकालो अलग। ये रेडियस अपने पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर। तो देखो 1/4 है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 22/7 into 8 into 8, तो इससे ये कट गया 2 टाइम। चाहो तो देखो किससे, हाँ कैसे ही काट लो वो तो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, इधर है 7, ये 7 से 3.14 into 16, ठीक है। अब ऐसे ही एक और है ये, ठीक है। इनका जब हमने इसका निकाला तो इसका भी क्या है सेम, तो ये तो क्या जाएगा, इस पार्ट का एक बार अलग और इस पार्ट का एक अलग। तो जब हम ऐसे निकालेंगे इसको, पता जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका एरिया कितनी बार निकल गया, 2 टाइम, कितनी टाइम, 2 टाइम, क्योंकि जब ये मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, तो इसका क्या, देखो हम जैसे पहले करते थे कि ऐसे कोई एक, ये क्या है, ग्राउंड में से पाथ जा रहा है, ठीक है, और हमें इस पाथ का क्या निकालना होता था, एरिया। जैसे ये मान लो 2 है और ये कितना है 10, तो हम कैसे करते थे, 2 into 10 20। ऐसे जैसे मान लो ये है 2 और ये है 5, प्लस में 5 into 2 10, कितना आ गया 30, ठीक है। फिर हम ये जो वाला पार्ट होता था ना ये, इसको क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, 2 into 2 4 26। इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करते थे, क्योंकि इसका हमने कितनी टाइम, 2 टाइम एरिया निकाल लिया। एक बार तो जब हमने इसको ऐसे निकाला ना, जब इसका एरिया निकल गया, ऐसे ही एक बार जब हमने इसको ऐसे निकाला ना, तो क्या हो गया, इसका एरिया निकल गया। सेम इसमें यही है, देखो एक बार जब हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, कौन से वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया, तब भी ये आ जाएगा। फिर हम एक बार इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्वाड्रेंट है, ये यहां से यहां तक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये एरिया कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया, कितने टाइम, 2 टाइम। तो हम इस दोनों का जो एरिया निकालेंगे उसके सम में, ये जो क्या है स्क्वायर है, इसका एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो करते हैं अब हम इसको सॉल्व, देखो हाफ, एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है, तो कितने क्वाड्रेंट हो गए, 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो चाहो तो इन पे क्या डाल लो, इसमें पॉइंट दिए गए, पॉइंट डाल लेते हैं, ए बी सी डी और एन और एम, ठीक है। और अपने पास देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 8, तो ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है किसकी, ये जिसका, ये देखो ये अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट बनाए ना, तो ये एक ऐसे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, और ये सेंटर है और ये क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास कितनी है, 8, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस ऑफ बोथ, ठीक है, हम निकालते हैं सम ऑफ द एरियाज, है ना। देखो हम निकालते हैं एरिया ऑफ, चाहो तो अलग अलग निकाल लेते हैं हम, ठीक है, चलो अलग अलग निकालते हैं। एरिया ऑफ ए बी एम डी क्या है, एरिया ऑफ ए बी एम डी, ये वाला पार्ट है क्वाड्रेंट, ये और ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं तो ये कौन सा है, क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं ना, एरिया ऑफ ए बी एम डी, इसके पीछे लिख लेना क्वाड्रेंट, ठीक है। 22/7, ये 4 ऐसे कैसे ही रहेगा, इनटू रेडियस है 8 into 8,
तो अभी ये हमने सॉल्व कर ही रहे थे इसको ना, इसको काट देते हैं टू टाइम, तो ये हो जाएगा कितना 44, कितना जाएगा 44 इंटू 8 अपॉन 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ गया अपने पास, आ गया 7704 अपॉन में 7। देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, ये अपन ने गलत हो गया है ना, 8 4 जा 32, 2 कैरी 35 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया एरिया ऑफ ए बी एम डी। ठीक है, अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ, देखो अब निकाला हमने ए बी एम डी, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सी डी एन बी। ठीक है, जब भी हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक के ऊपर क्या आएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये कोई भी एक चीज है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये ही है, तो अब हम इनको मिलाते हैं। ठीक है, तो हम मिलाते हैं, जब मान लो ये एक के ऊपर एक आ गया, तो ये जो पार्ट है ना इतना वाला जो एक के ऊपर एक आया वो क्या हो गया, डबल टाइम हो गया। जैसे देखो ये है और एक ये है, हम इसको इतना एक दूसरे पे क्या कर दें, डबल, तो ये कितना पार्ट हो जाता है, डबल हो जाएगा, है ना। जैसे देखो अब हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, ऐसा डायग्राम बनाएंगे, तो देखो एक बार ये और एक बार ये क्या आ गया, डबल आ जाएगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये पार्ट कितना आया, डबल, तो जो ये है क्या, ये जो बना हुआ है ना अपना स्क्वायर, इसके एरिया में से ये स्क्वायर माइनस कर देंगे कंप्लीट, तो एक ये जो एरिया है ना ये क्या रह जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा अपना, ये जो एरिया है इसका क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सम ऑफ ए बी एम डी प्लस सी डी एन बी, 3 5 2 प्लस 7 3 5 2 प्लस 7, 7 क्या आ गया एलसीएम, और ये हो जाएगा इनका सम 407 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, ये आ गया 704 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल देते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 8 इंटू 8 64। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड, क्या निकालना है हमें, शेडेड रीज। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले जो जो हम किया था वो हम करते थे कि स्क्वायर में से इसका माइनस करके हम ये खाली जगह का एरिया क्या करते थे, फाइंड करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो है ना ये शेडेड पोर्शन है बीच वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एक बार समझो, ये क्या है, एक सर्कल है, सॉरी क्या है, एक स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर, इस स्क्वायर में ये एक बीच में ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बार तो हमने ये यहां से यहां तक का एरिया निकाला, एक बार हमने ये यहां से यहां तक का एरिया, तो इस पार्ट का एरिया कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो स्क्वायर है जिसके ऊपर हमने ये रखा है ना, तो उस स्क्वायर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये हिस्सा कितने टाइम था, 2 टाइम था, तो ये एक पार्ट रह जाएगा, क्या रह जाएगा, एक पार्ट ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट रहने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे किसमें से, 704 अपॉन 7 माइनस 64। ठीक है, तो 704 एलसीएम आएगा कितना, 7 माइनस, देखो यहाँ 1, 7 ही आया एलसीएम, ये तो ऐसे कैसे ही, अब 7 का मल्टीप्लाई इससे, कैरी 2, कितना आया 704 माइनस 448। अब जब 704 में से माइनस करेंगे जब आ जाएगा 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो तुम इतना भी इसको छोड़ सकते हो और चाहो तो इसमें इसका डिवाइड भी दे सकते हो, तो डिवाइड दे लो। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। इसमें पता है ये सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है कि एक बार तो हमने ये एरिया फाइंड किया और दूसरी बार हमने ये एरिया फाइंड किया। तो देखो ये जो यहाँ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो हमने एक एक बार ही फाइंड किया है, लेकिन ये कितनी बार फाइंड किया है? दो बार फाइंड कर लिया। कितनी बार? दो बार फाइंड, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है, तो एक नीचे वाला पार्ट है। तो देखो, और अगर तुम ये अच्छे से समझना चाहो तो देखो, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये है ये वाला पार्ट और ये है ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन से? ये वाला और ये वाला अलग अलग है। ये बीच वाला मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, जब हमने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एरिया निकाला तो इसका कितनी बार एरिया आया? टू बार। तो देखो, एक बार तो मैं इसको रख देता हूं, ये एक बार वाला मैंने इसमें रख दिया, ये ऐसे मिल गया एक बार वाला, केवल एक बार। ठीक है, अब एक बार वाला बन गया, तो अब ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। क्या है? ये एक स्क्वायर है कंप्लीट। तो अब मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। लेकिन ये इसका हमने दो बार एरिया निकाला ना, तो एक बार और इसके ऊपर हमें उसको रखना पड़ेगा। मतलब ये कितने टाइम है? टू टाइम। कितने टाइम है? टू टाइम। तो उसका एरिया हमें क्या कर देना है? सबट्रैक्ट करना है इसको। क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है ना। ये चीज सबसे ज्यादा समझने वाली बात है इसमें कि इसका एरिया दो बार निकलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सम ऑफ एरिया ऑफ अनदर क्वाड्रेंट। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो केवल डायग्राम समझने का है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ गया, एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट ये आ गया, फिर हमने सम ऑफ बोथ क्वाड्रेंट कर दिया ये आ गया, फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया 64 आ गया, फिर हमने शेडेड पोर्शन निकाला है तो इन दोनों के सम में से हमने माइनस कर दिया किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर का, और अपने पास आंसर आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये अपना हो गया एग्जाम्पल फिनिश। तो आज जितने भी इसमें एग्जाम्पल थे 15.3 में क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझ के करना है ना, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखते रहें लगातार रोज, है ना। किसी भी दिन हम कोई भी किसी दिन टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, जिस दिन कोई भी मौका मिलेगा हम आपको सूचित कर दिए जाएंगे और आपका एक दिन टेस्ट ले लेंगे।